गाइस आज मैं बनाऊंगा मालपुआ। सॉफ्ट स्वीट एक पैनकेक की तरह होता है। अलग अलग रेसिपीज हैं लेकिन आज की जो रेसिपी है इट्स अ क्लासिक रेसिपी जो खोए से बनती है। तो मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है इसका शुगर सिरप। उसके लिए मैं लूंगा पानी और उसमें हम डालेंगे चीनी। जितनी चीनी है उसका आधा पानी, इस केस में आधा किलो चीनी है तो करीबन 250 ml पानी। चीनी को बॉईल करना है, जब तक थिक करना है, जब तक कि उसके अंदर एक पतली सिंगल तार ना बन जाए। और इसको हम फ्लेवर करेंगे थोड़ा इलायची पाउडर से। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम बनाएंगे मालपुआ का बैटर। हम लेंगे खोया, इसे मैंने ग्रेट कर रखा है। देर आर लॉट ऑफ रेसिपीज जहाँ पर मालपुआ सिर्फ मैदे से भी बनता है, मैदा कॉर्नफ्लावर से भी बनता है, कई जगह ब्रेड से भी बनाते हैं, बट लाइक आई सेड ये ट्रेडिशनल जो रेसिपी है मालपुए की वो खोए से बनती है। सो ये खोया गया इसमें, इसमें हम डालेंगे मैदा और इसमें जाएगी सूजी। सूजी से होता क्या है, एक फर्मनेस आती है और जो साइड्स हैं मालपुए की वो थोड़े सा उसमें रंग आता है, वो करारी क्रिस्पी हो जाती है। इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, जस्ट मिक्स इट। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। आप चाहें तो दूध में भी इसे पका सकते हैं बट आई थिंक बिकॉज इसके अंदर खोया ऑलरेडी है इसलिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। नाउ यूजिंग अ विस्क इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ना इसे अच्छे से मिलाना है ताकि इसका जो खोया है उसके अंदर अगर कोई थोड़ी सी गुठली है वो बिल्कुल मैश हो जाए। मालपुआ का जो बैटर होता है थिक होता है लेकिन पूरिंग कंसिस्टेंसी वाला, जैसे कि पैनकेक का बैटर होता है। इसके अंदर हम डालेंगे केसर, ये केसर को पानी में भिगो के रखा हुआ है मैंने। प्लस मालपुआ के अंदर सौंफ का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है। हल्का सा इलायची का पाउडर, ये हरी इलायची का पाउडर है ना, जस्ट नाइसली मिक्स दिस। और मालपुआ का बैटर तैयार है। मालपुआ के साथ रबड़ी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके लिए वी हैव अ पैन, इसमें हम डालेंगे फुल फैट मिल्क। और अब इस दूध को हमें पकाना है। शुगर सिरप हमारा तैयार हो चुका है, लेट्स क्लोज दिस जस्ट टू चेक। एक सिंगल पतला तार, दिस इज डन। शुगर सिरप तैयार है। उसके बाद इसमें हल्का सा रोज वाटर हम डालेंगे, जस्ट अ लिटिल। इसे रखेंगे हम इधर। ये ऑयल है, इसे मीडियम हॉट करना है। जहाँ जहाँ ये अगर एक दूसरे से चिपक रहे हैं, हल्का सा करछी का जो सिरा है रन इट एंड ये अलग हो जाएंगे। लाइक आई सेड जैसे जैसे पकेंगे दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग, लुक एट देम। मालपुआ का जो क्लियर और एक अच्छा टेक्सचर होता है वो ऐसा होता है कि जब आप उसको बाइट करें धीरे 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 आपके मुंह में घुल जाए, साइड्स थोड़ी सी क्रंची हो। सारे मालपुआ जो है वो फ्लोट होने शुरू हो गए। एट दिस स्टेज हम गैस को करेंगे हाई और हाई फ्लेम पर अब इसे हम फ्राई करेंगे। कभी कभार होगा कि जब आप बैटर डालेंगे जो बैटर है वो थोड़ा फैल जाता है, दाने दाने पड़ जाते हैं उसमें, बिखर जाता है। एट दैट स्टेज आप या तो उसके अंदर एक चम्मच मैदा डाल सकते हैं। अब इसे हम आराम से पलटेंगे। यहाँ पर जो दूध है वो रिड्यूस हो रहा है, काफ़ी थिक हो गया है ना। इसे और थिक करना है ताकि रबड़ी बने, बट जस्ट इन केस इफ़ यू वॉन्ट इसे थोड़ा जल्दी पकाने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेटेड खोया या फिर कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। इनके ऊपर एक अच्छा कलर आ गया है, एज यू कैन सी मालपुआ इज़ रेडी। लेट द ऑयल ऊज आउट और ये जाएगी इस गुनगुनी चाशनी के अंदर। वंस अगेन इसे चाशनी में सोक करना है करीबन 10 मिनट के लिए एंड उसके बाद इसे हम प्लेट करेंगे। ये काफ़ी स्वीट होता है, आप चाहें तो रबड़ी को बिना चीनी के भी बना सकते हैं। रबड़ी तैयार है, पर
बट आई लाइक टू ऐड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ शुगर जस्ट सो दैट वो बिल्कुल फीकी ना लगे, और थोड़ा सा रोज़ वाटर। आप चाहें तो इसके अंदर केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, थोड़ा इलायची पाउडर, और रबड़ी के अंदर थोड़ी सी सौंफ, ऑप्शनल है, मालपुआ के साथ सौंफ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। गिव देम अ नाइस स्टर। रबड़ी थिक है लेकिन पोरिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। रबड़ी को करेंगे कंप्लीटली ठंडा और उसे इसमें हम डालेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा सिरप है जस्ट शेक इट ऑफ। अब इसे हम गार्निश करेंगे रबड़ी के साथ, जस्ट ऑन टू वन साइड। लुक एट दैट फ्लो। चॉप पिस्ताचियो, चॉप्ड आलमंड्स, थोड़ी सी रोज पेटल्स, क्योंकि मालपुआ मीठा होता है, जिसके साथ आप कोई भी फ्रूट सर्व कर सकते हैं विच बैलेंसेस द स्वीटनेस। चांदी का वरक और हमारा मालपुआ विद रबड़ी डन। नाउ इज द टाइम टू ईट दिस ब्यूटी। टू गुड।